भाईजान इंडिया की ए टीम ने ना पाकिस्तान के बुड्ढों की खोल के रख दिया है, और इंडिया की यंग टीम आईपीएल के टैलेंट ने पीएसएल के टैलेंट की खोल के फाड़ दिया। भाईजान ये औकात है आपकी, कुत्तों वाली औकात है आपकी, और कुत्तों वाला हशर किया आप लोगों का इंडिया ने, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्लैपिंग यार, साई सुदर्शन ब्रिलियंट 104 शर्म के मारे तुझे अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। छोड़ दो यार, बता रहा हूँ, मतलब गैरत के भी तकाजे होते हैं, मतलब कुछ बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। आप मजाक समझ रहे हैं, लेकिन बुल्ला भाई ये कोई हार हार जैसा कहते हैं, छोटी हार नहीं है भाई। मुझे तो हमारा यंग टैलेंट था, उसको इंडिया में जो यंग टैलेंट था उसने पेल के रख दिया, और बिल्कुल वन साइड जो मुकाबला हुआ। किसी भी सूरत में जो है पाकिस्तान के यंग टैलेंट को आईपीएल के टैलेंट ने खड़ा भी नहीं होने दिया। पहले बुड्ढे लड़के भेजते हो और यंग टीम के साथ खेलते हो, फिर उन्होंने आपके अंदर किया, आपके खोल दिया भाईजान, आपको आपकी औकात याद करवाई है, आपको बताया कि आप कभी कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकते। उन्होंने बॉलिंग के अंदर आपको एक्सपोज किया, आपके सारे बल्लेबाजों को एक्सपोज किया, मानव यादव स्पिनर ने आके सबको उखाड़ दिया, हंगरेगार जो बॉलर है इनका फास्ट बॉल से 5 विकेट ले ली। रही बात बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी में सुदर्शन भी लानत है इनसे। तुम इन बच्चों के पास क्या एक्सपीरियंस था, अबे इन्होंने तुम्हें बेबी चाइल्ड बना के मारा है। इंडिया ने पाकिस्तान को पाकिस्तान समझ के हराया है या नेपाल समझ के? मतलब इतने स्टार प्लेयर है आपके इंडिया की टीम में, कौन है सुदर्शन ओ भाई, कौन है ये? सेंचुरी स्कोर कर दी इसने, 3 छक्के 10 चौके, ठीक है आईपीएल में हमने इसको देखा, लेकिन वो इतना बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। आप लोग हर वक्त सोशल मीडिया पे हर किसी बेकार को यार कौन, तुम समझ लो ऐसी हालत कौम की भी है जैसी इन बच्चों की है। नमस्कार दोस्तों, जय दोस्तों, आज भारत के यंग टीम ने मतलब इंडिया की ए टीम ने पाकिस्तानी ए टीम को इमर्जिंग एशिया कप 2023 में पेल कर दिया है, और पाकिस्तान ने महज 204 रन टारगेट दिए थे भारत को, और भारत के बच्चों ने लिटरली 37 ओवर में ही ये रन बना दिए हैं। और जिस तरीके से साई सुदर्शन ने मारे हैं और पेले हैं पाकिस्तानी बॉलर को, तो क्या ही कहा जाए। 104 रन साई सुदर्शन ने ठोके हैं, जिसमें 10 छक्के और 3 छक्के शामिल है, और जिसके साथ साथ उनको जो सपोर्ट कर रहे थे निकिन जोस, उन्होंने भी धोया है, उन्होंने भी 50 ओवर रन बनाए हैं। जिसके साथ साथ इनके जो बुढ़े हैं, मतलब बुढ़े ही कहा जा सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों के सामने ये जो इनके 5 ऐसे प्लेयर है जो कि इंटरनेशनल डेब्यूट कर चुके हैं, साई महबूब ले लीजिए, मोहम्मद हारिस ले लीजिए उनका कप्तान, शाहनवाज धानी ले लीजिए, मोहम्मद वासिम जूनियर ले लीजिए, जो कासिम अकरम ले लीजिए, ये सभी को उन्होंने मतलब हमारे बच्चों ने पेल के रख दिया है। और जिस तरीके से पहला इसके बाद तो पाकिस्तान मीडिया का जैसा रिएक्शन आपने इंट्रो में देखा, रो रो कर बुरा हाल है। चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। साई सुदर्शन कौन है? साई सुदर्शन सेकंड एवर यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी एट इन आईपीएल फाइनल, ये उसके क्रेडेंशियल्स है। तो ये क्रेडेंशियल्स जब किसी के हो तो आप उसको लाइट लेंगे ऑन अ वेरी ट्रिकी विकेट अगेंस्ट दी, अगर मैं ये बोलूं अगेंस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉलर्स, तो मैं साबित कर सकता हूँ पाकिस्तान अभी एशिया कप खेल रहा था, ये दोनों बॉलर थे इंडिया की ओरिजिनल टीम पे, ये वसीम जूनियर भी था एक ही टीम में और शाहनवाज दानी भी था। अबे घंटे के बुड्ढे पेल लिए पकड़ के साइज, और मोहम्मद हारिस ने 2 स्टंप छोड़े निकिन जोश के, अबे गेम में आने के टाइम में तेरे थे हाथ मेहरान के शुरू में, वहां शायद गेम टर्न होता तो ना तुम बॉल पकड़ सकते हो ना तुम चौका छक्का मार सकते हो, पकड़ के तुम कप्तान हो वो पता है। और लेकिन जब यजदोल साहब बैटिंग करने आ रहे थे, मैं एफपी भाई को कह रहा था इसकी बॉडी लैंग्वेज देखे, ऐसा लग रहा नहीं है कि विराट कोहली आ रहा है, एक बॉल लैंग्वेज क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट फील करता है। उसने कासिम अकरम को साइड में ले जाके पूछा, अबे तू 7वें नंबर पे था तेरी फिर भी बैटिंग आ गई। क्लैपिंग यार, साई सुदर्शन ब्रिलियंट 104 शर्म के मारे तुझे अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। छोड़ दो यार, बता रहा हूँ, मतलब गैरत के भी तकाजे होते हैं, मतलब यहाँ तो ऐसा लगता है धानी को भी छोड़ देनी चाहिए। हाँ धानी को तो छक्के मार के पीछे आप ज्यादा पड़ जाते हो, मतलब निकल भाई चल तू, आखिर भी लानत है इनसे। तुम इन बच्चों के पास क्या एक्सपीरियंस था, अबे इन्होंने तुम्हें बेबी चाइल्ड बना के मारा है। बच्चे की अदाकारियां पूरी करवा लो इनसे, अदाकारियां पूरी करवा लो ग्राउंड में जाओ, अबे विराट कोहली तक तुम बाद में पहुंचना, ये तुम्हारा बॉलर है प्रीमियर पाकिस्तान का वसीम जूनियर, ये वर्ल्ड कप खेला अभी ऑस्ट्रेलिया में, इसे मार रहे दानी झटके को मार रहे, तुम लोग सिर्फ पेपर पे कलम, क्योंकि तुम्हारे रोल मॉडल ही कागजी और किताबी किंग है। अरे ये बैटिंग थी तुम्हारी, इंडिया ने पाकिस्तान को पाकिस्तान समझ के हराया है या नेपाल समझ के, इससे क्लोज मैच तो भूटान या ब्रुंडी समझ के, यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग हर वक्त सोशल मीडिया पे हर किसी बेकार को, यार कौन से टीम की ये बच्चे तो जो इंडिया ऐसे खेले, ये तो आईपीएल में भी इसमें 9-10 बच्चे तो सिर्फ बेंच पे अपनी चूतड़ गरम कर रहे थे, खेल भी नहीं रहे थे। आप लोगों ने पाकिस्तान बगैर तो तुम तो खा पी के मस्त आ रहे हो, सांड बनते जा रहे हो डेली, और मैच फीस के लिए पाकिस्तान के नाम को डबो दिया तुमने, लानत है तुम लोगों की भाई। मैंने अब अगर मैं लिख दूं कि इंडिया बैम्बूजल पाकिस्तान तो क्या गलत होगा यार, कितने ओवर बाकी थे, अभी 100 रन से ज्यादा ओवर बना सकते थे वो,
ठीक है, साई सुदर्शन ने तुम्हारी बुक में आईपीएल के फाइनल में फिक्स रन किए होंगे, ये 104 भी उसने आईपीएल में मारा है, शाहनवाज दानी को, वसीम जूनियर को, कासिम अकरम को, मेहरान को और वो मुबस्सिर को, इसका क्या जवाब देंगे आज बैठ के पाकिस्तान में मेरे एक्सपर्ट, मेरे क्रिकेट एनालिस्ट और उसके अलावा वो जो क्रिकेट के अंदाता है, बड़े बड़े क्रिकेटर है, अगर उनके अच्छा ये मैंने बताया था किसी ने कि इंडिया जो है लिटा देगा पाकिस्तान को आज कोलंबो में। अच्छा ये तुम समझ लो ऐसी हालत कौम की भी है, जैसी इन बच्चों की है भाई जान। इंडिया की ये टीम ने ना पाकिस्तान के बुड्ढों की खोल के रख दिया है, और ये जितने भी ये इमर्जिंग में गेम रहते ना, ये सारे वो बंदे हैं पाकिस्तान वाले जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, मोहम्मद आरिफ और वर्ल्ड कप खेल गया, अभी T20 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, वनडे में भी उसने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, कामरान गुलाम, शाहनवाज दानी, कासिम अकरम, ये सारे इंटरनेशनल बंदे हैं, और इंडिया की यंग टीम आईपीएल के टैलेंट ने पीएसएल के टैलेंट की खोल के फाड़ दिया भाई जान। ये औकात है आपकी, कुत्तों वाली औकात है आपकी, और कुत्तों वाला हशर किया आप लोगों का इंडिया ने, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पहले बुड्ढे लड़के भेजते हो और यंग टीम के साथ खेलते हो, फिर उन्होंने आपके अंदर किया, आपकी खोल दिया भाईजान, आपको आपकी औकात याद करवाई है, आपको बताया कि आप कभी कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकते। आज इंडिया ने क्या हाल किया आपका, लिटरली जितने भी पाकिस्तानी बंदे खेले थे, वो साईं अयूब आपका जिसको आपने जी मिस्टर 360 बना दिया है, साईं अयूब इज बेटर देन सूर्या कुमार यादव, उसने 11 बालों पे 0 रन किया, 0 ये वाला 0 रन किया उसने 11 बालों के ऊपर, और आपकी खोल के हाथ में पकड़ा दिया इंडिया ने, कुत्तों वाला हाल किया आप लोगों का, नहीं जीत सकते आप लोग कभी भी इंडिया से, इंडिया के आगे आप लेट जाते हो, जब इंडिया आपको नजर आता है ना तब आप तेल लगा के उल्टे लेट जाते हो, वो तो आपके ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसा चढ़ते हैं आपको, आपकी औकात याद करवाई है उन्होंने, क्या क्रिकेट खेली है इंडिया ने, साई सुदर्शन और भाईजान उसने 100 ठोक दिया, 100 ठोक दिया उसने, पाकिस्तानी इमर्जिंग ए टीम के नाम से बनाई हुई है ये, बेसिकली पाकिस्तान शाहीन की टीम है जो अभी जिम्बाब्वे गई हुई थी और जिम्बाब्वे ने इनको हराया, फिर यही सेम टीम कॉपी बुक करके आपने इधर भेजी है और इधर इंडिया ने ठोका लगा दिया आपको। शाहनवाज दानी बुड्ढा हो गया होगा, कासिम अकरम इंटरनेशनल खेला हुआ है, मोहम्मद आरिफ इंटरनेशनल खेला हुआ है, साईं अयूब इंटरनेशनल खेला हुआ है, ये सारे इंटरनेशनल वाले बुड्ढे लड़के उनकी खोल दिया है, पीएसएल के टैलेंट की फाड़ के रख दी आईपीएल वालों ने, आईपीएल ने बता दिया कि छपड़ी छपड़ी होते हैं, और छपड़ों वाली हालत की आपकी, उन्होंने छपड़ों वाली हालत की है, शर्म आनी चाहिए, अंडरग्राउंड हो जाओ जल्दी 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 अंडरग्राउंड हो जाओ यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, 200 रन कर रहे हो आप लोग, और आप लोगों को इंडिया ने सिंगल हैंडेडली मैच मार दिया, सिंगल हैंडेडली, तो हमारा यंग टैलेंट था उसको इंडिया में जो यंग टैलेंट था उसने पेल के रख दिया, और बिल्कुल वन साइड जो मुकाबला हुआ, किसी भी सूरत में जो है पाकिस्तान के यंग टैलेंट को आईपीएल के टैलेंट ने खड़ा भी नहीं होने दिया, बस आ रही है ब्लाउज ऑफ पाकिस्तान ए को जो है वो बुरे तरीके से पेल दिया गया है, इंडिया ए की तरफ से सिर्फ 205 रन से पाकिस्तान ए बनाने में कामयाब हुई थी, जिसको इंडिया ए बिल्कुल आसानी से चेस कर गई, और 210 रन उन्होंने इस तरह बनाया जिस तरह बच्चों का कोई खेल हो, और सुदर्शन की अगर हम बात करें तो 104 रन की शानदार किस्म की सेंचुरी उसने मार के पीएसएल के यंग टैलेंट को बता दिया है कि आईपीएल का यंग टैलेंट किस तरह से इनसे जो है वो ऊपर है। ये इनके यंग लॉर्ड की बिल्कुल भी नहीं थर्ड स्ट्रिंग टीम थी जिसे आप हारे हो ना, और हमारी जो टीम थी वो आपका मेन पीएसएल का और जो आपकी पाकिस्तान की जो सेकंड बेंच टीम है ये वो है। आप बातें करते हैं यार कि बच्चों के साथ खिला के कि हम जीत कर आएंगे, अगर बच्चों ने तुम्हें मार दिया फिर तो शर्म की अफसोस ये है, अफसोस ये है कि धानी आपकी पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुका है, आपका ईशा कमल पिछला हुआ है, मतलब इतने स्टार प्लेयर है आपके, इंडिया की टीम में कौन है सुदर्शन भाई, कौन है ये, सेंचुरी स्कोर कर दी इसने, 3 छक्के 10 चौके, ठीक है आईपीएल हमने इसको देखा है, लेकिन वो इतना बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, एक तगड़ा मैच होना आप हारो समझ आती है, आप 8 विकेट से हारे हो और बहुत ही बेबुनियाद किस्म की आपकी बैटिंग की है, पहले मुझे बताओ आपकी बैटिंग को क्या इतना डरा होता है, इतनी उनकी फोके निकले रहते, अगर आप बोली की बात करो तो ये हंगराकर है, ओ भाई उसने 5 विकेट उड़ा दी, कौन है ये हंगराकर, मैं तो नहीं जानता, मुझे पता है कि बैटिंग करते हो क्या कहता, हाथ पांव फूल गए थे आपसे, 200 इतनी मुश्किल से आपने बनाया, मानो 300-400 रनों, और भाई मैं आज पूरी बैटिंग देख रहा था, इतना डर रहे थे इंडिया को स्पिनर जिसने 3 विकेट ली है, उसका बॉल तो इतना फिर रहा था कि उसके बॉल के करीब भी बैट नहीं लेकर जा रहे थे यार, 3 विकेट जो है ये सुधार नाम है मेरे ख्याल इनका, ये 3 विकेट जो है वो ले गया, क्या इसने आज बॉलिंग किया यार, नहीं आज ये टोटली क्लूलेस रहे हैं, मायूसी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी टीम की इसी बड़ी हार के बाद पाकिस्तान का हालत कैसा है, मतलब कहा जा सकता है कि ये जो एशिया कप में होने वाला है पाकिस्तान के साथ, उससे पहले एक ट्रेलर दे दिया है हमारी यंग टीम ने पाकिस्तान को कि भाईजान ये देख लीजिए आपके साथ यही दोहराया जाएगा 2 सितंबर को, अभी तो शेड्यूल रिलीज हो गया है, और इसके बाद जिस तरीके से आज साई सुदर्शन ने इन जो पाकिस्तानी बॉलरों को पहलाया, मतलब क्या ही कहा जाए, और छक्कों पे छक्के छुड़ा दिए, मतलब सभी बॉलरों का, किसी को भी टेर नहीं पा रहे थे कि भाई कैसे हम इसको रोके साई सुदर्शन को और निकिन जोसेफ को, निकिन जोसेफ अपनी गलती से आउट हो गए,
लेकिन शायद हो सकता है आखिर तक रहा और आखिर तक नॉट आउट रहे, और जिस तरीके से उन्होंने खेला क्या ही कहा जाए। तो ये कह सकते हैं कि भाई हॉकी टीम के जिस तरह से हराई पाकिस्तान को, उसके बाद सुनील छेत्री तो ऑफिशियल फादर बन चुके हैं, अब पाकिस्तानी के जो मतलब पाकिस्तान के एक और ऑफिशियल फादर बन चुके हैं जो कि साई सुदर्शन है, और जिस तरीके से आज साई सुदर्शन ने खेला है मतलब एक मतलब प्रेशर इनिंग्स को मतलब अपने ऊपर प्रेशर नहीं लाने के, और जैसे कम रन था इंडिया को चेस करने के लिए वही कम रन को लेकर मतलब जिस तरीके से डोमिनेटिंग विक्ट्री होती है उस तरीके से विक्ट्री भारत को दिया, 8 विकेट की विक्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ, ये कोई मतलब छोटी विक्ट्री नहीं है। और ये हमारे यंग प्लेयर है और इनके सबके सब जो कह सकते हैं आधे टीम तो मतलब इंटरनेशनल डेब्यूटेंट प्लेयर को खिला रहा है, तो समझ सकते हैं हमारी मतलब ये यंग टीम को बहुत ही ज्यादा प्रेस करना चाहिए और कंग्रेचुलेशन इस टीम को और उसकी पूरी टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान को इस तरह से कुत्ते की मतलब तरह हरा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और पाकिस्तान की इस हार को लेकर, इंडिया की यंग टीम को इस जीत को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।